हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडिटिंग सब्जेक्ट, जो कि बीकॉम सेकंड ईयर में दिया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम में 30 मार्क्स का आता है। 70 मार्क्स का इनकम टैक्स आता है, 30 मार्क्स का ऑडिटिंग आता है। इसके अंदर टोटल 7 चैप्टर दिए हुए हैं, कहाँ पर, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टडी मटीरियल में। ठीक है, इसका लिंक जो है, जहाँ से मैं आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का जो मटीरियल है, वहीं से ही मैं आपको ये पढ़ाऊंगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आज, जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाए। आप मेरा वीडियो सुनिए, आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप सिंपली उसको रीड आउट कर लीजिएगा, ताकि आपको इजी तरीके से सब कुछ रिकॉल होता चला जाए। हर चैप्टर के एंड में मैं आपको समरी नोट्स प्रोवाइड करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन। इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट के अंदर हमारे पास में सबसे पहला वर्ड जो आता है वो होता है ऑडिट। ऑडिट हमारे पास में क्या होता है? ऑडिट जो ड्राइव हुआ है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है? एक लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, ऑडिट से। ठीक है, एक लेटिन वर्ड है हमारे पास में ऑडिट, वहां से ये ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू हियर। अब आरबी बोस है वो हमारे पास में क्या कहती है? आरबी बोस ने डिफाइन करा है ऑडिट को। ऑडिट क्या होता है? वेरिफिकेशन ऑफ द एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी और करेक्टनेस को हम वेरीफाई करते हैं। कौन वेरीफाई करता है? बाय द इंडिपेंडेंट पर्सन। ठीक है, और जो कि कौन होना चाहिए? क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर द जॉब, उस जॉब के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, सीए होना चाहिए और क्वालिफिकेशन होना चाहिए एज इन एनी वे, और जो कि नॉट इन एनी वे कनेक्टेड विद द प्रिपरेशन ऑफ द सच अकाउंट्स, इस अकाउंट्स की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की प्रिपरेशन के लिए किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि हम ऑडिट को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑडिट में भी डिफाइंड है, ये एक इंटेलिजेंट और क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है, किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस का, जो कि कौन करता है? इंडिपेंडेंट पर्सन करता है या फिर बॉडी ऑफ पर्सन करते हैं, और जो कि इस जॉब के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, और किसकी हेल्प से करते हैं? वाउचर की, डॉक्यूमेंट की, इंफॉर्मेशन की और एक्सप्लेनेशन जो भी रिसीव होती है उनको, कहाँ से? अथॉरिटीज से। और जो कि ऑडिटर जो है वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है विद द अथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स में हमारे पास में क्या क्या आते हैं? बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। क्या क्या सेटिस्फाई करते हैं और रिपोर्ट करते हैं? कि बैलेंस शीट जो है वो क्या एस्टिमेट्स करता हो? ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारे पास में ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता हो, और अकाउंट जो हमने प्रिपेयर करे हैं वो इन कंफर्मिटी विद द लॉ होने चाहिए। मतलब कि हमारे जितने भी लॉ रूल्स रेगुलेशन है वो हमने फॉलो किए होने चाहिए, उससे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अकाउंटेंसी ऑडिटिंग के डिफरेंस को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बुक कीपिंग, इससे तीन आस्पेक्ट हमें पता होने चाहिए, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है और ऑडिटिंग क्या होता है। तो इससे पहले हम इसको समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में क्या? बुक कीपिंग। हम सबसे पहले क्या करते हैं? बुक कीपिंग करते हैं। बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है? रिकॉर्डिंग करते हैं और बैलेंसिंग करते हैं, मतलब एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, जर्नलाइजिंग करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसको फिर हम पोस्टिंग करते हैं लेजर के अंदर। डिफरेंट अकाउंट्स का हम टोटल करते हैं, जो हम लेजर बनाते हैं उनकी टोटलिंग करते हैं डिफरेंट अकाउंट्स की, उसके बाद में हम बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा बुक कीपिंग खत्म होता है वहां से हमारा अकाउंटेंसी स्टार्ट होता है। ठीक है, अकाउंटेंसी में हमारे पास में क्या होता है? समरी और एनालिसिस आता है, जो कि हमारे पास में क्या होता है, ये क्या करता है अकाउंटेंट, क्या करता है ये, जो बुक कीपर ने काम करा है ना, उसके काम को चेक करता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, और जो भी कोई भी एरर हुआ है उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करता है, कोई भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हमारे पास में वो एडजस्टमेंट पास करता है। ठीक है, अब जहाँ पे हमारे पास में अकाउंटेंसी का काम खत्म होता है, अकाउंटेंट का काम खत्म होता है, वहां से हमारा स्टार्ट होता है ऑडिटिंग। मतलब हम फिर क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं। ऑडिट किसका करते हैं? हम ये रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब हम
उसमें एग्जामिनेशन करते हैं. अब समझ, जो भी हमारा काम अकाउंटेंट करता है उसके काम को जो चेक करता है वो होता है हमारा ऑडिटर. उसमें वहां से हमारा स्टार्ट होता है ऑडिटिंग. समझ आ गया, तीन चीज होती है, पहला बुक कीपिंग, फिर अकाउंटेंसी, फिर ऑडिटिंग. बुक कीपिंग के अंदर जर्नल एंट्री पास करना, वहां से लेजर में लेके जाना, लेजर के टोटल करना, बैलेंसिंग करना, फिर यहाँ पे हमारा बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है. फिर काम शुरू होता है हमारा अकाउंटेंट का. अकाउंटेंट क्या करता है, जो बुक कीपर ने काम करा उसके काम को चेक करना, कहीं गलती तो नहीं करी, गलती करी है तो वो उसे ठीक कराता है. फिर वहां से उसको कोट करता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, और अगर कुछ गलती करी है, एरर किया है, तो उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं और एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं. जब इनका काम खत्म हो जाता है फिर हमारा काम स्टार्ट होता है ऑडिटर का. ऑडिटिंग करते हैं, ऑडिटिंग क्या होता है, एग्जामिनेशन करते हैं किसका, रिकॉर्ड्स का, जो कि कौन करता है, अकाउंट, जो भी ऑडिटर करता है किसका, कौन से रिकॉर्ड्स का, जो अकाउंटेंट हमारे पास में काम करता है उसके रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं ऑडिटिंग. ठीक है, समझ आ गया. अब आता है हमारा अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में हम डिफरेंस पढ़ रहे थे, अब आपको ये इजीली समझ आ जाएगा. अब जैसे कि इसके अंदर दिया हुआ है अकाउंटेंसी, कौन, अकाउंटेंसी इज मेनली कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ, क्या होता है अकाउंटेंसी के अंदर, हम क्या बनाते हैं, समरी और एनालिसिस करते हैं. समरी और एनालिसिस किसका करते हैं, कौन, किसके रिकॉर्ड्स का करते हैं, जो कि रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है, बुक कीपर बनाता है, अभी हमने पढ़ा. अकाउंटेंसी क्या बनाता है, उससे ट्रायल बैलेंस बनाता है, और क्या बनाता है, एनुअल अकाउंट. एनुअल अकाउंट्स बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास में ऑडिटिंग. ऑडिटिंग के अंदर क्या होता है हमारे पास में, वेरिफिकेशन करते हैं किसका, बुक्स एंट्रीज को, अकाउंट्स, जो भी हमारे, जो अकाउंटेंट ने काम करा है, बुक एंट्रीज है, उसको हम वेरीफाई करते हैं. ठीक है, और हम ये दिखाते हैं कि जो हमारे फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट मतलब वही तीन चीज, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये जो है ये ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं. ठीक है, और इसकी रिपोर्ट हम किसको करते हैं, शेयर होल्डर को करते हैं. अब अकाउंटेंट कौन होता है, बिजनेस का इंप्लॉय होता है. ऑडिटर इंप्लॉय नहीं होता, वो कौन होता है, हमने अभी पढ़ा ना, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, आउटसाइडर होता है, मतलब उसका कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं होता है. ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास में, अब अकाउंटेंट जो होता है वो इम्प्लॉय होता है, तो उसको हम क्या देंगे, मंथली सैलरी देंगे. ठीक है, लेकिन ऑडिटर जो होता है वो इम्प्लॉय नहीं होता है, तो उसको मंथली सैलरी नहीं दी जाती है, उसका रेम्यूनरेशन फिक्स होता है, एग्री किया जाता है. कौन एग्री करता है, जो ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में पहले ही एग्रीड हो जाता है कि हम इतना रेम्यूनरेशन आपको देंगे. ठीक है, उसके बाद आता है अकाउंटेंट को थोरो नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास में ऑडिटिंग की. थोरो नॉलेज अगर नहीं है तो चलेगा, लेकिन जो ऑडिटर है, जो ऑडिट करने आया है, उसको पूरे अकाउंट्स की थोरो नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वो चेक करेगा. उसको थोरो नॉलेज नहीं होगी तो वो कैसे चेक करेगा. ठीक है, ऑडिटर जो है वो हमारा ईयर टू ईयर चेंज हो सकता है. ठीक है, इस साल हमने कोई ऑडिटर रखा, अगले साल अगर हम उसे चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो अकाउंटेंट होता है वो हमारा परमानेंट एम्प्लॉय ही होना चाहिए बिजनेस का, ताकि हमारा बिजनेस को वो समझ सके, कर सके. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन. ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन क्या होता है ये अब हम पढ़ेंगे, कि ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन किसको कहते हैं. ठीक है, ऑडिट मैंने भी बताया, ऑडिट हम क्यों कंडक्ट करते हैं, कि हम ये देखते हैं कि बैलेंस शीट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है. अगर नहीं दिखा रही है या दिखा रही है, उसको हम रिपोर्ट करते हैं. किसको रिपोर्ट करते हैं, शेयर होल्डर को. लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, सर्चिंग इंक्वायरी विद अ सर्टेन ऑब्जेक्ट. किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है. मतलब कि हमें बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी निकालनी है, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना है, कुछ फ्रॉड तो नहीं हो गया ये पता लगाना है. कौन पता लगाएगा, जैसे कि मुझे एक फर्म परचेज करनी है तो मैं उसका इन्वेस्टिगेशन कराऊंगी. मुझे उस फर्म के शेयर परचेज करने हैं तो हम इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो सेवरल ईयर्स का हो सकता है, मतलब 3 साल 5 साल 7 साल जितने साल का भी आप करना चाहो, कितने साल का होता है. ठीक है, इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एवरेज अर्निंग कैपेसिटी, फाइनेंशियल
फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न, जबकि ऑडिट जो होता है वो एक साल का होता है. इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो आउटसाइडर के बिहाफ पर किया जाता है, मतलब आउटसाइडर बोलता है तो हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जो कि क्या करना चाहता है, उस कंपनी को उस बिजनेस को परचेज करना चाहता है या उसमें पार्टनर बनना चाहता है या फिर उसमें वो लोन दे रहा है एडवांस में या फिर उसके शेयर परचेज कर रहा है, तो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं. जबकि ऑडिटर जो होता है वो प्रोपराइटर के कहने पर ही होता है, जैसे कि मेरी फर्म है, मैं प्रोपराइटर हूँ, मैं चाहती हूँ कि ऑडिट होना चाहिए, कम्स में फोनिया ये सब ये उसके चेक के लिए हमारे पास में होना होता है. उसके बाद है ऑडिटेड जो होता है वो फर्दर इन्वेस्टिगेटेड फॉर द स्पेशल पर्पस इन व्यू वाइल द इन्वेस्टिगेटेड अकाउंट. ऑडिटेड जो अकाउंट्स होते हैं वो हमारे पास में फर्दर इन्वेस्टिगेटेड हो सकते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटेड अकाउंट है वो दोबारे से ऑडिट नहीं हो सकते हैं. ठीक है, ऑडिट जो होता है वो लीगली कंपलसरी होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हमारे पास में लीगली कंपलसरी नहीं होता, वो वॉलेंट्री होता है, करवाना चाहो करवाओ. इट डिपेंड करता है अपॉन द नेसेसिटी ऑफ द पर्पस, हमारा पर्पस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा, इतना ही हम आज की क्लास में करेंगे, बाकी का चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे. इसके नोट्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके.